हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक। मैं तो फ्रेंड मगध यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थ्री के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि भारी बारिश के चलते आपका जो 30 तारीख से आगे की परीक्षा होने वाला था वो उसको स्थगित कर दिया गया था। तो फाइनली दोस्तों, बीए पार्ट थ्री का स्थगित परीक्षा जो कि कैंसिल किया गया था, उसका रूटीन जारी कर दिया गया है। जो आपका परीक्षा अब होगा 12 अक्टूबर से लिया जाएगा। तो बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर ये गलत थी, न्यूज़ सही है या गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको जो भी न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको यहां पर 100% सही न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। तो उसी के प्रूफ के चलते मैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, बहुत से पेपर में, न्यूज़ पेपर में आर्टिकल छपा है। तो मैं ये हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के लिए। बीए पार्ट थ्री के स्थगित परीक्षा अब जो कि 12 अक्टूबर से लिया जाएगा। तो फ्रेंड, मैं बिल्कुल सही न्यूज़ बता रहा हूँ, 100% ये बिल्कुल प्रूफ के साथ सही न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पार्ट थ्री का स्थगित परीक्षा जो किया गया था उसका अब 12 अक्टूबर से लिया जाएगा परीक्षा। तो चलिए पूरी खबर को आपको पढ़कर बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल को नया है चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को, उसके बगल के बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, पूरी खबर को पढ़कर बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मगध यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित बीए पार्ट थ्री की 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक तो होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। यह परीक्षा अब 12 से 16 अक्टूबर तक होगी। गुरुवार को एमयू परीक्षा शाखा ने स्थगित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 30 सितंबर की परीक्षा 12 अक्टूबर को लिया जाएगा। यानी कि जो आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला था वो 12 अक्टूबर को लिया जाएगा, और 1 अक्टूबर की परीक्षा जो होने वाली थी 14 अक्टूबर को लिया जाएगा, और 3 अक्टूबर की परीक्षा जो होने वाली थी उनको 15 अक्टूबर को लिया जाएगा। 4 अक्टूबर की होने वाली परीक्षा अब आपका 16 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि परीक्षा पूर्व से निर्धारित केंद्र समय और परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप पूर्व निर्धारित पालियों में आयोजित होगी। यानी कि आपका जो भी एडमिट कार्ड पर परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र दिया गया, समय दिया गया है, उसी के अनुसार आपका परीक्षा होगा। और जो पाली में आपका परीक्षा है वहाँ पर एडमिट कार्ड में जो शो है वही, उसी के अनुसार आपका परीक्षा होगा। इसके साथ सभी अंगीभूत एवं समता प्राप्त कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र भेजकर जानकारी दे दी गई है। गौरतलब है कि मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 23 सितंबर से बीए पार्ट थ्री की जो 19 की परीक्षा शुरू हुई थी। परीक्षा को लेकर गया, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा में, नालंदा में 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन मानसून के हाई अलर्ट और परीक्षा केंद्रों पर भारी जल जमाव होने के कारण आपका जो 30 सितंबर से आगे की परीक्षा था उसको स्थगित कर दिया गया था। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बता दिया गया 30 सितंबर की जो परीक्षा होने वाला था वो अब 12 अक्टूबर को होगा। और यहाँ पर पूरा बता दिया गया जो 4 को आपको परीक्षा स्थगित कर दिया गया था तो उसको यहाँ पर दिया गया। तो चलिए मैं आपको अभी इसका रूटीन, तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं जो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा पार्ट थ्री का परीक्षा रूटीन जारी किया गया है, जो आपका शेष परीक्षा होने वाला है जो स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 30/9/2019 को परीक्षा जो स्थगित किया गया था उसका परीक्षा अब 12/10/2019 को लिया जाएगा। 1/10/2019 को होने वाली परीक्षा 14/10/2019 को लिया जाएगा, और 3/10/2019 को परीक्षा जो होने वाली थी उसका यहाँ पर डेट नया डेट है 15/10/2019 को, और 4/10/2019 को जो होने वाली थी परीक्षा अब आपका 16/10/2019 को लिया जाएगा। तो ये फिर ये बिल्कुल सही खबर है, मगध विश्वविद्यालय की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3/10/2019 को ये जारी किया गया है परीक्षा नियंत्रण मगध विश्वविद्यालय बोधगया की तरफ से। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र है पार्ट थ्री के उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, मगध यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।